नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस टेट के भर्ती के बारे में कि आखिर जो रिजल्ट आया कल के डेट में 12 तारीख को रिजल्ट आया बिहार एस टेट का पेपर वन और पेपर टू का, उसके जो भर्ती है वो कब तक कंप्लीट किया जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 9 और 10 क्लास के लिए पेपर वन था और 11 और 12 क्लास के लिए पेपर टू था। खासकर हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों का क्या होगा, कितना कट ऑफ होगा, क्या कैसे सिलेक्शन होगा, सभी कुछ के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो टोटल भर्ती निकला था वो 37,000 पोस्ट के लिए निकला था, 25,270 प्लस में 12,065 भर्ती निकला हुआ था, जिसमें कंप्यूटर साइंस का अगर हम खासकर पॉइंट करें तो 1673 भर्ती था। इसमें महिलाओं को आरक्षण अलग से दिया जाएगा और सामान्य कैटेगरी को आरक्षण अलग से दिया जाएगा। तो यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है, और जितने कैंडिडेट को यहाँ सेलेक्ट होना था उतने कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाए ड्यू टू कोविड-19। कोविड के चलते भी हो सकता है कि एग्ज़ाम बच्चे नहीं दे पाए होंगे, और ये उन बच्चों के लिए अच्छा खबर है जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो वैकेंसी थी वो थी 37,000 पदों के लिए और जो सिलेक्शन हुआ केवल 24,000। जिसमें भी पेपर टू के बारे में बात करें तो 12,000 सीट में से केवल 8,500 कुछ बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेज है, लगभग 100% चांसेज मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग सभी का ज्वाइनिंग हो जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा। और इसके लिए जल्द ही जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट किया जाएगा। उससे पहले जो छठे चरण का अभी है साफ साफ मेंशन किया गया है बिहार एस्टेट के ऑफिशियल सूचनाओं के आधार पर कि जो छठे चरण का है उसको पहले कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद सातवें चरण के कंप्लीट कराया जाएगा। तो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि अभी आप लोग को कम से कम 1 साल का टाइम लग सकता है। 1 साल से पहले हो सकता है कि कुछ आपको देखने को ना मिले, क्योंकि छठे चरण जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक सातवें चरण का स्टार्ट भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस बीच में अगर कोई एग्जाम आता है जैसे रेलवे का आता है, SSC का आता है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट का आता है, BPSC आता है, JPSC आता है, तो उन सब पे भी टारगेट कीजिए, क्योंकि वहाँ जो ज्वाइनिंग मिलेगा वो एक बार में मिलेगा। और यहाँ हो सकता है कि काउंसलिंग होगा, आपको आपके नंबर के बेसिस पे आपको स्कूल मिलेगा या जगह मिलेगा, ठीक है ना। जैसे लड़कियों को मिलेगा अर्बन एरिया, शहरों में जॉब मिलेगा, लड़कों को कहाँ मिलेगा, लड़कों को गांव में भी दिया जा सकता है और सेमी सर्वन एरिया में भी दिया जा सकता है, मतलब जहाँ शहर से नज़दीक जो एरिया है वहाँ भी आप लोग को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे अभी कुल मिला के टाइम लगेगा, एक ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप लोग को निश्चिंत होकर नहीं बैठना है। अभी आप लोग को जो सामने वाले एग्ज़ाम है उन पे भी फोकस कीजिए और वहाँ भी सोचिए कि क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा ज़्यादा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। और यही बताना था इस वीडियो में। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के लिए मैं बात कर लेता हूँ। कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए भी रास्ता क्लियर है, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर हम वैकेंसी के बारे में बात करें यहाँ पे टॉप पे चले जाते हैं तो 8,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और आप देखेंगे 2,000 2,000 2,000 2,000, मतलब टोटल यहाँ पे ही 4,000 8,000 9,000 बच्चे हो जाते हैं। कंप्यूटर साइंस और बाकी सब पोस्ट को देख ले तो ये लगभग 3,000 के आसपास होते हैं। तो देख सकते हैं कि अकेले जो चार पोस्ट है यही 8,000 हो जाता है, तो 8,000 बच्चों का सिलेक्शन ही हुआ है। तो उसमें कंप्यूटर साइंस वाले कितने होंगे, इंग्लिश वाले कितने होंगे, और आप लोगों को पता है कि जो BEd करते हैं वो लाखों की संख्या में BEd करते हैं, बहुत लोग BEd करते हैं और बहुत लोग इस एग्जाम का वेट भी करते हैं। तो हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका इंग्लिश है, जिनका मैथ्स है, जिनका भौतिक है, जिनका रसायन है, सभी का सिलेक्शन फिक्स है। और साथ में मुझे लगता है कि कंप्यूटर साइंस में जो भी जनरल कैटेगरी से भी निकाले हैं क्वालिफाइड है तो भी सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पॉजिटिव रहना है, और आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी अभी तैयारी आप लोग को स्टॉप नहीं करना है, तैयारी और भी ज़्यादा अपने आप को मजबूत कीजिए और कंपटीशन फेस करते रहिए जब तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग आपके हाथ में नहीं मिल जाता। जिस दिन आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगा उस दिन आप समझिएगा कि आपका ज्वाइनिंग हो गया है। अभी आप लोग आगे के लिए भी तैयारी कीजिए और यहाँ से आप लोग पॉजिटिव रहिए। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आज के दिन आप लोग अच्छा रहे, और कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा। थैंक यू।